हफ्तों से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। आखिरकार कल 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न मंत्रियों के पदों में फेरबदल किया। जब से उन्होंने 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला, यह प्रधानमंत्री मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला बड़ा बदलाव है। मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की गई है। यही कारण है कि मोदी ने सक्षम नेताओं को बढ़ावा दिया और असक्षम लोगों को निकाल दिया। ऐसा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। कुल 43 राजनीतिक नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। इनमें से 36 मंत्री नए चेहरे हैं, जबकि 7 मौजूदा मंत्री हैं। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या ज्यादा होना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद 3 मंत्रालयों के प्रभारी होंगे, जो है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग एक नजर नए मंत्रियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्रिमंडल बेहद युवा है और इसमें विभिन्न समुदायों के मंत्री शामिल हैं। मैं बताता हूं क्यों। 12 अनुसूचित जाति से, 8 अनुसूचित जनजाति से, 27 ओबीसी से और 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों से है। 9 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 महिलाएं मंत्री है। 50 साल से कम उम्र के 14 मंत्री है। 7 मंत्रियों के पास पीएचडी है, 3 एमबीए और 68 ग्रेजुएट है। तेरह मंत्री वकील है, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 7 सिविल सर्वेंट हैं।